अगर आप अपने किसी भी वीडियो पर कहीं से भी नो बैकग्राउंड म्यूजिक लेकर डाल दे रहे हैं तो हो जाइए सावधान। जी हाँ दोस्तों, मैं ये बात सही बोल रहा हूँ, अगर आप अपने किसी भी वीडियो को एडिट करते समय कहीं से भी बैकग्राउंड म्यूजिक उठाकर उसमें डाल दे रहे हैं तो आपके किसी भी वीडियो पर, जिस वीडियो में आप वो म्यूजिक लगाए रहेंगे, कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, जिससे आपका चैनल भी डिलीट हो सकता है। तो दोस्तों बने रहिए आज की इस वीडियो में, आज हम यही बताएंगे कि आप अपने किसी भी वीडियो में किस तरह की बैकग्राउंड म्यूजिक को उठाकर YouTube से मत डालिए, जिससे आपको भविष्य में कभी भी आपके YouTube चैनल पर नो कॉपीराइट स्ट्राइक का मैसेज आ सकता है, जिससे आपका चैनल डिलीट हो जाए। आप अपने किसी भी वीडियो को एडिट करते समय बैकग्राउंड म्यूजिक को लगाने के लिए आप YouTube पर सीधा जाते हैं, वहां पर टाइप करते हैं नो कॉपीराइट म्यूजिक, वहां पर जो आपको सबसे ऊपर दिखता है, या फिर आपको नो कॉपीराइट म्यूजिक सर्च करने के बाद जितनी म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाती हैं, आप उन्हीं को सीधा डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद अपने किसी भी वीडियो में लगा देते हैं। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे होंगे, तो इसीलिए हम आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर ले चलते हैं, वहां पर आपको समझाते हैं कि आप अपना कैसे भी अपना YouTube का बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लगा रहे हैं या फिर क्या गलतियां कर रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अमित स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऐप ज्ञान 2M में। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो दोस्तों आप करते क्या है कि सबसे पहले आप अपने यूट्यूब पर जाते हैं, यूट्यूब पर जाने के बाद आप यहां पर डायरेक्ट सर्च कर देते हैं नो कॉपीराइट म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक, यहां पर सर्च किए आप। यहां पर सर्च करने के बाद आपके सामने कई तरह की बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाती हैं, आप उन्हें डायरेक्ट डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसे डाउनलोड किए, डाउनलोड करने के बाद आप डायरेक्ट अपने मोबाइल में या फिर अपने वीडियो के बैकग्राउंड में लगा देते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों कि YouTube पर तो आप ये देख रहे हैं, किसी न किसी ने तो ये अपलोड ही किया है, तो जब ये अपना जब चाहें तब आपके किसी भी वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर आपसे पैसे भी ऐड सकते हैं और आपका कॉपीराइट स्ट्राइक करके आपके चैनल को भी बंद करवा सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर YouTube का एकदम असली में एकदम अच्छे से कॉपीराइट स्ट्राइक नो कॉपीराइट स्ट्राइक का म्यूजिक चाहिए तो YouTube अपने आप खुद देता है आपको, तो आप वहां से कैसे डाउनलोड करेंगे ये आपको बता देते हैं। इसके लिए दोस्तों आप सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर में जाइए। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आप यहां पर अपना YouTube सर्च कीजिए, YouTube सर्च कीजिए। YouTube सर्च करने के बाद YouTube आपका डेस्कटॉप साइड में ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आप डायरेक्ट अपनी प्रोफाइल पर जाइए। अपनी प्रोफाइल पर जाइए। प्रोफाइल पर जाने के बाद योर चैनल पर क्लिक कीजिए। योर चैनल पर जाने के बाद आप कस्टमाइज चैनल पर जाएंगे। कस्टमाइज चैनल पर जाएंगे उसके बाद तो दोस्तों आपका यूट्यूब स्टूडियो आपके क्रोम पर ओपन होने के बाद आप यहां पर सबसे नीचे की तरफ देखिए, यहां पर यूट्यूब आपको खुद ही नो कॉपीराइट म्यूजिक देता है आपको आपके किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड में लगाने के लिए। तो इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कई तरह की म्यूजिक आ जाएंगी, जैसे दोस्तों अभी ये लोडिंग ले रहा है, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर कई तरह की म्यूजिक आ गई हैं, आप कोई भी म्यूजिक आप चाहें जैसे यहाँ पर प्ले करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी कई तरह की म्यूजिक आ जाती हैं, यहाँ से आप इसको प्ले करके चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद आपको जो म्यूजिक अच्छी लगे वहाँ से आपको सिर्फ यहाँ पर राइट साइड में देखिए, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने थोड़ा लोडिंग लेगा, उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए डाउनलोडिंग फाइल होने लगा। उसके बाद डाउनलोड होने के बाद ये देखिए हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो गया। अब ये म्यूजिक हम अपने किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप भी अपने किसी भी वीडियो पर अपना बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं, इससे भविष्य में भी आपका चैनल सेफ रहेगा और ना ही कभी आपके किसी भी वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी, ना ही कॉपीराइट क्लेम आएगा। तो दोस्तों इससे आपका चैनल हमेशा के लिए सेफ रहता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर देख ही चुके होंगे कि आप किस तरह की अपने बैकग्राउंड म्यूजिक में अपने किसी भी वीडियो के में बैकग्राउंड म्यूजिक लगा रहे हैं, जिससे आपके वीडियो पर कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। जैसे दोस्तों वो लोग ना तो ऑफिशियली उनका चैनल है, ना ही वो रजिस्टर्ड है,
सिर्फ वो YouTube पर हम लोगों की तरह ही अपना YouTube चैनल बनाए हैं, उसी पे अपना कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक अपलोड कर रहे हैं, उसमें नो कॉपीराइट का टाइटल डाल रहे हैं, तो उसे आप लोग डाउनलोड करके अपने किसी भी वीडियो में एडिट करके लगा दे रहे हैं, तो वो जब चाहेंगे तब आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक का मैसेज दे देंगे। उसके बाद आपसे कभी भी कॉल करके या ईमेल से आपसे पैसे मांगेंगे, आपसे फिरौती मांगेंगे, आप दे भी देंगे तो आप एक बार देंगे, दो बार देंगे, आपसे वो बार बार मांगते रहेंगे। इसीलिए दोस्तों बोल रहे हैं कि आप अपने किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड में आप YouTube का ऑफिशियली जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसे जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, उसे डाउनलोड करके आप अपने बैकग्राउंड म्यूजिक में लगाइए, जिससे आपको यूट्यूब ना तो कभी कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी, ना ही आपका चैनल कभी डिलीट होने की संभावना होगी। तो दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।